हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज। अब सीखे फटाफट यूट्यूब चैनल पे। आज है 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021 सेकंड अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप को। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बड़गाम टाउन टीवी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीवी मुक्त भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। PDF को ओपन करने के लिए आपको सिंपली 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। फर्स्ट डिजिट है 4। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह जूनियर जी का। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एशियाई खेल 1958 के रजत पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे, यानी सदस्य थे। बलबीर सिंह जूनियर का जन्म 2 जून 1932 को जालंधर के संसारपुर में हुआ था और इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में हॉकी सीखना शुरू कर दिया था। उनका साल 1951 में पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, आपको इमेज भी दिखाई दे रहे हैं, ये है बलबीर सिंह जूनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने स्वास्थ्य और पोषण पर एक डिजिटल रिपोजिटरी पोषण ज्ञान लॉन्च की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग ने। नीति आयोग बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के साथ मिलकर अशोका यूनिवर्सिटी ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी पोषण ज्ञान लॉन्च किया। पोषण ज्ञान के लॉन्च के अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत, महिला और बाल विकास सचिव राम मोहन मिश्रा और अतिरिक्त सचिव डॉ. राकेश सरवाल ने अपने विचार प्रकट किए हैं। चलिए आपको नीति आयोग के बारे में बताते हैं। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पुराना नाम प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन है वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। CEO अमिताभ कांत जी। वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। बात करें न्यूजीलैंड वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। चलिए आपको न्यूजीलैंड के बारे में बताते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डन। मोनार्क है एलिजाबेथ द्वितीय जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। नेशनल है 6 जनवरी। बिगेस्ट लेक है टाउको लेक। बात करें फर्स्ट पर्सन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड गए थे। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में न्यूजीलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिकरण कार्यक्रम यानी GSAP शुरू किया, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम यानी GSAP की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपये यानी 1,00,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। चलिए आपको RBI के बारे में बताते हैं। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
प्रेजेंट कॉर्नर से शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कॉर्नर सर ऑस्मानी स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के यू देसी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए आपको सेकंड डिजिट बता दें, सेकंड डिजिट नोट कर लिया आप लोग, सेकंड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्ट की जांच करने को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक वाले COVID-19 के टीके लगाने को अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र एवं खाद्य और औषधि प्रशासन ने एक संयुक्त बयान में कहा कि वे टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महिलाओं में खून के थक्के जमने संबंधी मामले की जाँच कर रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंबेडकर जयंती किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को। भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सुबह में धारा 144 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचार बंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान करार दिया है। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बताते हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले जी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र के नए क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है जिसने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेरोजा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सेरोजा ने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के 1000 किलोमीटर लंबे खंड को प्रभावित किया है। 170 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ इस तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में आढ़तियों को शामिल करने जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करेगी। पहले आढ़ती यानी कमीशन एजेंट किसानों को भुगतान करते थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा किया कि राज्य के खाद विभाग ने खरीद सॉफ्टवेयर में संशोधन किया है ताकि आढ़ती प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में शामिल हो सके। चलिए आपको पंजाब के बारे में आते हैं। पंजाब का गठन 31 अक्टूबर 1966 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री VP सिंह बदनौर। कैपिटल चंडीगढ़। फर्स्ट CM गोपी चंद भार्गवा। फर्स्ट गवर्नर चंदूलाल मदनलाल त्रिवेदी जी। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 22। पंजाब एंड हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़। हरियाणा पंजाब के नए क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पंजाब। चलते हैं थर्ड डिजिट नोट कर लें आप लोग, थर्ड डिजिट है 0। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस फिल्म ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी BAFTA बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नोमैड लैंड। नोमैड लैंड
ने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा में 4 पुरस्कार जीते हैं। क्लो ज़ाओ केवल दूसरी महिला और पहली अश्वेत महिला बनी जिन्होंने फिल्म नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार 83 वर्षीय एंथनी हॉपकिंस को मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडोरमेंड को दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश ने ऐतिहासिक शून्यवादियों द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चाइना। ऐतिहासिक शून्यवाद चीन में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वाक्यांश है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा वर्णित फिल्म पिछली घटनाओं पर सार्वजनिक संदेह का वर्णन करता है। हाल ही में चीन के साइबर नियामक ने ऑनलाइन टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए एक हॉटलाइन सेवा शुरू की है। चलिए आपको चाइना के बारे में बताते हैं। बात करें चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल डे 1 अक्टूबर। बात करें हाईएस्ट माउंटेन की तो माउंट एवरेस्ट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसने मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य पोषण संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच के महत्व को बढ़ावा देगा। मिशन आहार क्रांति भारत जितने कैलोरी को खपत करता है उससे 2 गुना का उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी देश में कई लोग कुपोषित हैं। यह मिशन विज्ञान भारती और ग्लोबल साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम द्वारा भी साथ में लॉन्च किया गया। इस मिशन का आदर्श वाक्य है गुड डाइट गुड कॉग्निशन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किसने ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर कुमार। भारत के सीमर भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में सीमित ओवर श्रृंखला में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। 31 वर्षीय भारतीय ने 3 वनडे मैचों में 4.65 की इकोनॉमी दर के साथ 6 विकेट लिए, जबकि वाइड बॉल श्रृंखला में दोनों तरफ स्टैंड आउट गेंदबाज के रूप में उभरने के लिए 5 T20I में 6.38 की शानदार इकोनॉमी दर के साथ 4 विकेट हासिल किए हैं। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भुवनेश्वर कुमार। चलिए चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइन करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरेंद्र कुमार यादव जो कि रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने नागालैंड में नगर समूह के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। एटन नामक एक प्राचीन शहर जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया इजिप्ट देश में खोजा गया है। NCAER की पहली महिला महानिदेशक पूनम गुप्ता जी बनी हैं। IPL इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस गेल बने हैं। बात करें देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी नियुक्त हो गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हाल ही में 11 अप्रैल को मनाया गया है। बात करें एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर बना है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी देने वाला 60वां देश इंडिया बन गया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था पहला, पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद जी को। क्वेश्चन टू था, किरण रिजिजू ने किस शहर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, किस देश में भारतीय बिजनेस टाइकून MA यूसुफ अली को शीर्ष नागरिक पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन टू की बात करें तो किस देश में संयुक्त शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए आप अपने चैनल ऑनलाइन स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लास्ट डिजिट नोट कर लें आप लोग,
लाइट डेट है 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग।